अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सारे लोग खैरियत होंगे। मेरा नाम है एहसान दानिशा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं HTML साइट मैप्स के अबाउट, तो यहाँ पे मैं बात करूँगा कि साइट मैप्स क्या होते हैं, किस तरह से वर्क करते हैं, टाइप्स क्या होती हैं साइट मैप्स की, इसके साथ साथ ही आप किस तरह से साइट मैप्स को जनरेट कर सकते हैं और किस तरह से सर्च इंजन्स के अंदर शो करवा सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि साइट मैप्स होते क्या हैं। साइट मैप बेसिकली आपकी वेबसाइट का कंप्लीट स्ट्रक्चर होता है, जो कि सर्च इंजन्स के लिए हेल्पफुल होता है, ताकि वो इजीली आपकी वेबसाइट को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि आपकी वेबसाइट के अंदर क्या क्या है, कौन कौन से पेजेस हैं, कौन सा पेज किस पेज के साथ लिंक है, कितने पेजेस हैं, कितनी पोस्ट हैं, कितनी इमेजेस हैं, सारी इंफॉर्मेशन सर्च इंजन के पास हो। अब इससे फ़ायदा क्या होता है, इससे फ़ायदा ये होता है कि सर्च इंजन समझते हैं हमारी वेबसाइट को, उसका स्ट्रक्चर समझते हैं और इस हिसाब से उसको इंडेक्स कर लेते हैं। इंडेक्स करने के साथ साथ हमारी वेबसाइट की रैंकिंग में इजाफा होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि गूगल हमारी वेबसाइट को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर पा रहा है हमारे HTML साइट मैप की मदद से। इसकी मिसाल इसी तरह से है कि अगर आप कहीं पे जा रहे हो या किसी सिटी के अंदर मौजूद हो और आपके पास एक मैप मौजूद हो, तो आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि आपको कहाँ पे किस इंफॉर्मेशन के लिए जाना है, राइट। तो इसी तरह सर्च इंजन्स भी हमारी वेबसाइट को अंडरस्टैंड करते हैं साइट मैप्स की मदद से। तो मैंने आपको बता दिया कि साइट मैप्स क्या होते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि साइट मैप्स की कितनी टाइप्स हैं। दो तरह के साइट मैप्स होते हैं, एक HTML साइट मैप होता है, एक XML साइट मैप होता है। अब HTML साइट मैप नॉर्मल यूजर्स के लिए होता है, आप अपनी वेबसाइट के अंदर शो करवा देते हैं ताकि वो उस जो साइट मैप है उनको देख के आपकी वेबसाइट उस एक पेज के अंदर ही सारी इंफॉर्मेशन देख सकें कि कौन कौन से पेजेस आपके मौजूद हैं, कितनी पोस्ट मौजूद हैं और सारी इंफॉर्मेशन आपकी वेबसाइट के अबाउट ले सकें। इसके साथ साथ ही जब वेबसाइट जब गूगल का क्रॉलर आपकी वेबसाइट को विजिट करता है, देखता है इंडेक्स करने के लिए, तो वो पेज को ही वो रीड करके सारी इंफॉर्मेशन वहीं से उठा के ले जाता है। तो ये इस तरह से हेल्पफुल साबित हो सकता है। अब दूसरी चीज़ है XML साइट मैप। XML साइट मैप प्योरली सर्च इंजन्स के लिए होता है, ताकि हम अपना XML साइट मैप सर्च इंजन के अंदर ऐड करें और ऐड करने के बाद क्या हो कि सर्च इंजन्स वहीं से हमारा जो वेबसाइट का डाटा है वो लेते रहें, जो भी हम डाटा अपडेट करेंगे वो ऑटोमेटिकली साइट मैप्स के अंदर अपडेट हो जाता है, राइट। तो मैंने आपको समझा दिया कि कौन कौन से साइट मैप्स होते हैं, HTML साइट मैप क्या होता है और XML साइट मैप क्या होता है। तो चलें प्रैक्टिकली इनको करके देखते हैं कि किस तरह से आप XML साइट मैप जनरेट करेंगे और सर्च इंजन के अंदर ऐड करेंगे, और किस तरह से आप HTML साइट मैप जनरेट करेंगे और अपने वेबसाइट के किसी भी पेज के ऊपर शो करेंगे। तो चलिए चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। तो हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे देखें, सिंपल आप लोगों ने प्लगइन्स के अंदर जाना है। प्लगइन्स के अंदर जाने के बाद आप लोगों ने एक प्लगइन इंस्टॉल करना है जिसका नाम है रैंक मैथ। तो सिंपल यहाँ पे मैं आऊँगा और सर्च करूँगा रैंक मैथ। तो इस तरह से आप सर्च करेंगे रैंक मैथ। इसको सर्च करने के बाद यहाँ पे काफ़ी सारे प्लगइन्स आ जाएंगे, बट आप कोई रैंक मैथ SEO ये वाला प्लगइन इंस्टॉल और एक्टिवेट कर देना। मैं ऑलरेडी एक्टिवेट कर चुका हूँ, तो यहाँ पे एक्टिव लिखा आ रहा है, राइट। जैसे आप एक्टिवेट करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को क्या नज़र आएगा, एक नया ऑप्शन नज़र आएगा। तो यहाँ पे हम आएंगे और सिंपल यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है साइट मैप सेटिंग्स का। अब इस तरह के प्लगइन्स हम क्यों यूज़ करते हैं, ताकि हम अपने जो साइट मैप है उसको मज़ीद कस्टमाइज़ भी कर सकें। कस्टमाइज़ करने का मुराद ये है कि आप लोग शो करवा सकते हैं, आप लोग चीज़ों को हाइड कर सकते हैं, ऐड करा सकते हैं कि कौन सी चीज़ें सर्च इंजन के ऊपर शो होनी चाहिए, कौन सी चीज़ें XML साइट मैप या साइट मैप के ऊपर शो होनी चाहिए और कौन सी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, राइट। जिसके ऊपर यहाँ पे आपको देखें काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलेंगे। इनके बारे में मैं किसी और वीडियो के अंदर बात करूँगा, बट राइट नाउ मैं जस्ट आपको दिखाना चाह रहा हूँ किस तरह से साइट मैप को आप ऐड करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं XML साइट मैप की। तो यहाँ पे देखें जनरल लिखा हुआ है, यहाँ पे एक URL है। सिंपल अगर मैं इस URL को ओपन करूँ तो यहाँ पे देखें एक जो है एक URL बन गया है, साइट मैप index.xml। तो मैं इसको कॉपी करूँगा। अब यही हमारा XML साइट मैप है। इसको किस तरह से हम सर्च इंजन के अंदर ऐड करेंगे, वो हम इस तरह से ऐड करेंगे कि हमने वो ये वाला हिस्सा कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद मैं इस सर्च इंजन के अंदर जाता हूँ और यहाँ पे देखें सिंपल हमें क्या करना है, अपनी प्रॉपर्टी सेलेक्ट करनी है और साइट मैप सेलेक्ट करना है। साइट मैप सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमारे पास इस तरह का कुछ इंटरफेस आएगा। ऑलरेडी वेबसाइट यहाँ पे शो हो रही है, सिर्फ हमें ये वाला URL एडिशनल ऐड करना है और सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को स्टेटस शो हो जाएगा सक्सेस का,
और यहाँ पे देखें इसने ऑटोमेटिकली डिस्कवर कर लिया कि हमारी वेबसाइट के अंदर कितने पेजेस हैं और इसके अंदर पूरी डिटेल्स ये है। अब जो भी चीज़ हम अपडेट करेंगे अपने वेबसाइट पर वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे भी अपडेट हो जाएगी और सर्च इंजन को ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। तो इस तरह से आप एक एग्जाम्पल साइट मैप जनरेट कर सकते हैं और अपनी वेबसाइट के अंदर शो करवा सकते हैं। तो अब बारी आती है HTML साइट मैप की, तो उसको किस तरह से ऐड करेंगे। वापस चलते हैं हम अपनी वेबसाइट के अंदर, यहीं पे आपको नज़र आ जाएगा HTML साइट मैप। तो सिंपल यहाँ पे HTML साइट मैप, और यहाँ पे देखें आपके पास एक शॉर्ट कोड है। सिंपल आप लोगों ने इस शॉर्ट कोड को कॉपी करना है, एक नया पेज ऐड करना है अपनी वेबसाइट के अंदर। जैसे यहाँ पे मैंने एक पेज ऐड किया है HTML साइट मैप, तो यहाँ पे हमारे पास हमने ये कोड सिंपल क्या कर देना है, पेस्ट कर देना है। और पेस्ट करने के बाद इसको पब्लिश या अपडेट कर दें, अगर ऑलरेडी आपका पेज सेटअप है तो अपडेट कर दें। तो मेरा यहाँ पे मैंने किसको क्या कर दिया, अपडेट कर दिया। अब यहाँ पे हम इस पेज को अगर देखें तो हमारी वेबसाइट का कंप्लीट साइट मैप यहाँ पे शो हो रहा होगा। कई बार जो साइट मैप है वो शो नहीं भी होता, क्योंकि किसी भी प्लगइन या थीम की कंफ्लिक्शन की वजह से ये इश्यूज आ सकते हैं, राइट। या फिर आप थोड़ा सा विकर वेट करेंगे तो आपका जो साइट मैप है वो कुछ टाइम के बाद ऑटोमेटिकली शो हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे ये हमारा जो साइट मैप है वो शो हो चुका है। तो आई होप आपको समझ आ चुकी होगी कि साइट मैप्स क्या होते हैं, HTML साइट मैप क्या होता है, XML साइट मैप क्या होता है, किस तरह से हमने उनको सर्च इंजन के अंदर ऐड करना है, किस तरह से आपने अपनी वेबसाइट के अंदर फ्रंट एंड पे HTML साइट मैप शो करवाना है। तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बता देता हूँ। स्टिल किसी तरह की कोई कन्फ्यूजन है नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोगों को ज़रूर रिस्पॉन्स करूँगा। और इसके साथ साथ आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। इसके साथ साथ ही मैंने बहुत ही डिटेल के अंदर वर्डप्रेस वेबसाइट डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट बिगनर्स स्टेप बाय स्टेप गाइड कंप्लीट प्लेलिस्ट ऐड की हुई है अपने चैनल के ऊपर। फ्रीलांसिंग के रेलिवेंट कंप्लीट जो डिटेल्स हैं वो ऐड की हुई हैं, कंप्लीट वीडियो स्टेप बाय स्टेप आप लोग सीख जाएंगे। तो वो देखने के लिए आप मेरे मजीद चैनल विजिट कर लें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज़।